We all have our share of struggle to go through and we all hustle every day to ensure that our dreams come true. क्लास 8 वाली आकांक्षा ने कभी नहीं सोचा था कि 10-15 साल बाद वो यहाँ बैठ के आप लोग सबसे बात कर पाएगी. She would have reached 1 million subscribers on YouTube. ये तो उसने कभी नहीं सोचा होगा. इनफैक्ट वो क्लास 8 वाली आकांक्षा ने अपने आप को कोस रही थी उस टाइम पे कि क्या ही कर रही है, ना पढ़ाई में अच्छा कर रही है, ना टीचर्स उसको पसंद करते, उसको नहीं पता उसके साथ आगे क्या होने वाला है. दैट लॉस्ट किड विच आई एम श्योर कि हर एक आदमी यहाँ स्टेज से गुजरा होगा. बट वी इंश्योर्ड दैट वी नेवर गेव अप. We kept on struggling and we all reached wherever we are today. Hello everyone and welcome back to the channel. My name is Akanksha. Hope we all are doing great at home, safe and sound. आज का वीडियो एक होम व्लॉग या डेली व्लॉग या मेकअप ट्यूटोरियल ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हियर टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू फॉर मेकिंग दिस यूट्यूब चैनल अ सक्सेसफुल वन. वी हैव रीच्ड 1 million सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब एंड ये कोई मामूली बात नहीं है. आप सबके सामने मैं 2 साल से यहाँ पे हूँ एंड आप लोग ने मुझे यहाँ इस चैनल पे ग्रो करते हुए देखा है. एंड ट्रस्ट मी, ये जो ग्रो हुआ है ये सब आप लोग की वजह से हुआ है. बिकॉज हैड इट बीन दैट यू वुड हैव नॉट मेड दिस चैनल सक्सेसफुल, आई वुड नॉट हैव बीन सिटिंग हियर टुडे एंड टॉकिंग अबाउट इट. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई हसल, माई लाइफ एज टू वॉट आई वॉज इन स्कूल, हाउ डिड आई बिकम अ कैबिन क्रू एंड हाउ डिड आई स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल एंड हाउ डिड आई रीच वेयर आई एम टुडे. So before sharing my hustle story, I know that all of us are struggling in some way or the other or hustling in some way or the other to ensure that our dreams come true. And I think you should own your hustle moment with Lenskart. Get your hands on the Lenskart's Hustler Collection and you can also use the code SUMMER to avail flat 50% off on the Hustler Collection. My school life was not great. 8, 9, 10, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जाके अपना ना life erase कर दूँ क्या उस part का. I was not good in studies. I was the targeted kid in front of the teachers. My friends were asked to not talk to me. And ये सब चीज़ें जब होती है ना तब by default आपका पढ़ाई में और मन नहीं लगता है. It takes me actually a lot of courage to say this. But I failed in class 9 in 2 subjects. मेरे मम्मी को बुलाया गया था स्कूल कि आपकी बेटी यू नो शी इज फेल्ड, वी डोंट नो इफ वी शुड प्रमोट हर और नॉट. जस्ट पुश्ड मी टू द नेक्स्ट क्लास कि ठीक है देखते हैं 10 में क्या करेगी. आई गॉट आई थिंक 67%. उसके बाद वी शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता, वहां से शिफ्ट होके हम आए बैंगलोर. बैंगलोर आने के बाद बहुत कुछ चेंज हो गया. मैं एक अपना टॉक्सिक स्कूल लाइफ छोड़ के एक प्री यूनिवर्सिटी या प्री कॉलेज लाइफ में आ गई थी जो ट्राइड एंड इंश्योर्ड कि मैं अपने पढ़ाई पे शुरुआत दिन से ही ऐसा ध्यान दूं. पढ़ाई में ध्यान था, साथ ही साथ आई वॉज ऑल्सो एक्टिव इन अ लॉट ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज इन स्पेसिफिक डांस. क्लास 12 में मुझे आया 92%, विच वॉज अ वेरी बिग जम्प फ्रॉम 67% टू 92%. दैट इज व्हेन मेरा एक सेल्फ एस्टीम और इनर पीस कुछ बहुत बूम हो गया था. आई एक्चुअली वर्कड हार्ड फॉर इट. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे 67 यहाँ पे 92 चमत्कार हो गया. हाँ, मैंने बहुत ध्यान लगा के आई इंश्योर कि नहीं आई हैव टू गेट गुड मार्क्स ताकि मैं कॉलेज में आगे अच्छा कर पाऊँ. वेन आई वेंट टू कॉलेज, कॉलेज लाइफ भी मेरी अच्छी थी. सेकेंड ईयर के आसपास मुझे ये अचानक से चस्का चढ़ गया था कि यू नो वॉट आई वॉन्ट टू बिकम अ कैबिन क्रू. ये कैंपस प्लेसमेंट होंगे कॉलेज से बैठ जाना. बट मैंने एक भी कैंपस प्लेसमेंट अटेंड नहीं किया. मुझे पहले से ही मन था कि मुझे कैबिन क्रू ही बनना है. तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी कैबिन क्रू बनने का मन है. एंड एज यूजुअल लाइक ऑल अदर पेरेंट्स, कैबिन क्रू एक ऐसा जॉब है जिसको रिस्पेक्टफुली नहीं देखा जाता है. भले ही उसके बारे में पता हो या ना हो, जो सोसाइटी में सुना है बस उसी के हिसाब से लोग बात करते हैं. एंड मम्मी भी सेम थी कि पता नहीं फैमिली क्या बोलेगी कि कैबिन क्रू मतलब एयर होस्टेस बनना चाहती है. मतलब लेट्स गेट टू दैट वर्ड कि एयर होस्टेस बनना चाहती हो, पढ़ाई लिखाई करके एयर होस्टेस कौन बनता है एंड स्टफ लाइक दैट. आई यू श्योर? बट ऐसा नहीं कि मम्मी ने मुझे डिमीन किया. मम्मी ने मुझे ये समझाया कि सोसाइटी क्या सोचेगी इसके बारे में सोच, बिकॉज तेरा ऐसे भी पहले रेपुटेशन कुछ अच्छा नहीं रहा है. उन लोगों को लगता है कि पढ़ती लिखती नहीं है, पता नहीं क्लास 12 में इतना पढ़ाई पे मार्क्स कैसे आ गया. वो होता है ना एक नॉर्म सेम चीज. तो सोच ले. रियली वॉन्टेड टू बिकम अ कैबिन क्रू. सो When I was in second year, I gave my first interview in Indigo and I got selected. बहुत पापड़ मिले उसके लिए भी. मतलब पहले से बहुत ज्यादा अपने आप को प्रिपेयर कर रही थी कि हाँ ठीक है कैबिन क्रू के लिए मतलब कैसा रहना है, कैसी बात करनी है, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्या कपड़े पहन के जाना है, सब कुछ धीरे 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 आई यूज टू 2-4 महीने मैंने अपना पूरा प्रिपेयर किया. एंड उसके बाद आई वेंट फॉर द इंटरव्यू. इंटरव्यू दिया, फर्स्ट टाइम में क्रैक हो गया, बहुत खुशी हुई. तो जैसे ही जॉब मिला ना वैसे ही लगा कि अब तो जॉब मिल गया है. कमाने आई मीन पढ़ाई करने के बाद आदमी क्या करता है, आदमी कमाता है और तुमको तो जॉब मिल गया है तो जॉब पे चल जाओ. बट माय मॉम वाज वेरी स्ट्रिक्ट एंड सीरियस कि नहीं तुम सेकंड ईयर में हो
तुम जॉब पे तभी जाओगी जब तुम अपना थर्ड ईयर कंप्लीट करोगी. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट कि मम्मी ने मुझे ना जॉब मतलब पढ़ाई छोड़ने नहीं दी, वरना मैं उस मोड में थी कि नहीं नहीं पढ़ाई छोड़ दो, जॉब तो मिल गई है और मुझे यही करना है तो चिल है, हम मुझे अब इसी में जाने दो. बट थर्ड ईयर में जाके मैंने अपना इंटरव्यू फिर से दिया एंड आई गॉट सेलेक्टेड अगेन. एंड एग्जैक्टली मेरा जिस दिन फाइनल एग्जाम खत्म हुआ था, आई रिमेंबर आई थिंक 19th ऑफ मे मेरा फाइनल एग्जाम खत्म हुआ था इन 2019, एंड 23rd ऑफ मे से नया बैच शुरू हो रहा था इंडिगो में, एंड मुझे उसके लिए कॉल आ गया था. सो आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ चलो आई एम गोइंग टू बी अ बिग गर्ल, आई एम गोइंग टू बी अर्निंग एंड इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट लाइफ. सो ऑल टुगेदर आई वॉज वेरी हैप्पी. दिल्ली जाने के बाद जो 3 महीना मैंने जो टेसुए बहाए हैं, मतलब असली वाले, बट जो मैं रोई हूँ, ए कि फैमिली से दूर हो गए, बी स्टाइपेंड जो मिलता है वो बहुत कम मिलता है, नए शहर में जाके रहना, प्लस दिल्ली, इनफैक्ट गुड़गांव में रह रही थी मैं, प्लस गर्मी के टाइम पे. ये बहुत छोटी सी चीज़ लगेगी सुन के कि बैंगलोर का वेदर अच्छा और दिल्ली का वेदर अच्छा नहीं है तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, बट बहुत चीज़ें थी जो मुझे नहीं पता थी, एज इन यू शुड नॉट बी टेकिंग अ हाउस जो एकदम छत के पास होती है. यहाँ पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया. मेरा जो पीजी था इट वॉज ऑन द 7th फ्लोर विदाउट लिफ्ट, जिसमें 24 घंटे में से 22 घंटे करंट नहीं रहता था, और फिर भी हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ता था 6,000 रुपया, जिसमें 7,000 मेरे घर का रेंट था और मेरे स्टाइपेंड में से बचता था सिर्फ 1,000 रुपए और पूरे महीने चलाने के लिए. एंड उस टाइम पे मैं घर से पैसा नहीं मांगना चाहती थी, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप क्रू बनने के लिए आते हो तो यू हैव टू गिव सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू द कंपनी ऑल्सो. 3-4 महीना मैंने फ्लाई किया और उसके बाद आ गया था लॉकडाउन, एंड उसी समय आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल, समथिंग दैट आई हैड नेवर थॉट ऑफ. बचपन से आई थिंक बहुत जन का ये मन रहता है कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे डांसर बनना है, मुझे टीवी पे आना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. आई वॉज ऑल्सो वन अमॉन्ग देम, बट आई नेवर थॉट दैट आई विल बी एबल टू डू दिस इन रियल. ऑब्वियसली मैं टीवी पे नहीं आ रही हूँ ना नेटफ्लिक्स पे मेरा कोई सीरीज है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कीपिंग द कैमरा इन फ्रंट ऑफ मी, मे बी डांसिंग ऑन अ सॉन्ग, रिकॉर्डिंग अ ब्यूटी वीडियो, मेकिंग अ कॉमेडी वीडियो और एनीथिंग जो भी मैंने इस चैनल में किया है एंड आप सबने पसंद किया है, ये सब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं करूँगी. एंड धीरे धीरे जब आप लोग का भी एंगेजमेंट मिलने लग गया, मुझे अच्छा लगने लगा कि नहीं आई थिंक दैट आई कैन ऑल्सो डू दिस, एंड दैट इज वेन आई स्टार्ट पुटिंग इन अ लिटिल मोर एफर्ट. काम के साथ साथ यूट्यूब मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट था, मुझे नहीं पता था कि मैं कभी भी कैबिन क्रू का जॉब छोड़ूंगी, बट जब मैं बैंगलोर शिफ्ट हुई एंड उसके बाद जो स्ट्रगल शुरू हुआ मेरे साथ, जिसके लिए आई वॉज नॉट रेडी, बहुत सारी चीजें जो मैंने यूट्यूब पे दिखाई नहीं कि मुझे एक्चुअली बहुत प्रॉब्लम हो रही थी फ्लाई करने में, मैं मेंटली फिजिकली बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी, आई हैड हर्ट माई बैक एंड आई रियलाइज्ड दैट आई कैन नॉट डू इट डेली. अगेन सबका बॉडी सेम नहीं होता, अभी भी बहुत सारे क्रू है जो काम कर रहे हैं, उनको अभी तक क्यों नहीं हुआ और मुझे क्यों हुआ, ये भी एक क्वेश्चन मैं आप सब उठा सकते हो. बट ओनली थिंग इज हर आदमी का ना एक सैचुरेशन पॉइंट आता है. मुझे नहीं पता था कि जिस जॉब को करने के लिए मैं इतना मर रही थी और जिस जॉब को पाने के लिए मैं इतनी पागल थी, जब वो मुझे मिल गया उसके बाद मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं उसको 3 साल में छोड़ दूंगी. जॉब छोड़ दी थी मैंने, बट बेस्ट पार्ट ये था कि मुझे यूट्यूब नहीं छोड़ना था, एंड एट द वेरी सेम टाइम आई कुड हैव पुट इन मोर एफर्ट्स टू बी ऑन यूट्यूब. दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड टू क्रिएट मोर एंड मोर कंटेंट ऑन यूट्यूब. आई हैव ट्राइड टू इंश्योर कि मैं डेली कुछ ना कुछ वीडियोस डालू, मे बी शॉर्ट फॉर्म में या व्लॉग में, जैसे भी हो. हाँ अभी थोड़ा डाउन भी चल रहा है यूट्यूब पे, बिकॉज यहाँ पे बहुत लोग हैं जो मुझे इसलिए फॉलो करते थे क्योंकि मैं कैबिन क्रू थी एंड दे ऑल रियली वॉन्टेड टू सी दैट जर्नी, बट क्योंकि अभी मैंने वो छोड़ दिया है एंड मेरा जो नया कॉन्टेंट का जरिया है वो शायद उनको पसंद नहीं आ रहा है, वो रिलेट नहीं कर पा रहे हैं. सो इन दैट स्ट्रगलिंग पीरियड जहाँ पे अभी मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसा क्या करूँ ताकि सबके सब ऑडियंस यहाँ पे जुड़े रह पाए, तो यस आई एम स्टिल इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल, आई एम स्टिल हसलिंग एंड मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ ये समझने की कि मैं ऐसा क्या करूँ कि ये चैनल अप एंड लिविंग रहे. दिस वॉज माई स्टोरी हाउ अ नॉर्मल गोइंग गर्ल, जिसको ना अपने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता था कि वो क्या करने वाली है, तो वो कैबिन क्रू बनी, उसने बहुत कुछ देखा इंडिया में. हाउ डिड शी स्टार्ट हर यूट्यूब चैनल एंड हाउ डिड शी रीच हियर. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद.